टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अभी काफी उलझी हुई है। एक तरफ जहां अनुज कबाड़िया की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट के बाद अनुपमा का पैर खराब हो चुका है। आद्या कहाँ है, इस सवाल का जवाब ढूंढना बाकी है। और दूसरी तरफ आश्रम में आए दिन अलग अलग तरह की मुसीबतें सामने आती रहती हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा का एक सपना आएगा जिसमें वो देखेगी कि आद्या को नए परिवार ने गोद ले लिया है। अनुपमा देखेगी कि आद्या अपने नए माता पिता के साथ परेशान है और अनुज उसकी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अनुपमा का सपना एक चीख के साथ टूटेगा जब वो देखेगी कि आद्या के दूर हो जाने की वजह अनुज आत्महत्या कर लेगा। अनुपमा तय करेगी कि वो इस सपने को सच कभी नहीं होने देगी। वो किसी भी सूरत में आद्या को ढूंढ कर लाने का फैसला करेगी और जब वो बाहर आंगन से कड़ी पत्ता तोड़ने जाएगी तो उसे वहीं लीला बाप परेशान खड़ी नजर आएंगी। अनुपमा जाकर उनसे बात करने का फैसला करेगी तो पता चलेगा कि लीला अपने पति को मिस कर रही हैं। दोनों की बातचीत काफ़ी टेंस्ड हो जाएगी, लेकिन अनुपमा का शालीन रवैया लीला को याद आ जाएगा और उनका रिश्ता कैसा था ये लीला को याद आएगा। अनुपमा के पास आकर अनुज उससे पूछेगा कि वो आद्या को ढूंढ लाएगी या नहीं। वो डरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अनुपमा पर यकीन भी करता है कि वो आद्या को जिंदा और ठीक वापस ले आएगी। अनुपमा भी अनुज को आश्वासन देगी कि वो आद्या को ज़रूर वापस लाएगी। शो में एक लाइट मोमेंट में देखने को मिलेगा जब अनुपमा फ़ोन पर लीला और हसमुख भाई की बात करवाएगी। बापूजी से बात करके लीला को काफ़ी सुकून आएगा, लेकिन शाहनिवास में चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं। अनुपमा एक तरफ जहाँ लीला बा को थोड़ा सुकून देगी तो वहीं दूसरी तरफ शाहनिवास में अलग ही तमाशा चल रहा है। टीटू और डिम्पू के बीच फिर से बहस शुरू हो गई है। डिम्पी टीटू के इरादों पर सवाल उठाएगी जिसका वो तंजिया अंदाज में जवाब देगा। कुल मिलाकर शो में ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।